ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। तुम्हारे बाबा से कुछ कहने जाऊं तो ना कहने के बराबर है। लोगों के घर में पूजा पाठ करके ज्यादा कुछ नहीं कमा पाते हैं वो, कैसे घर चलाऊंगी? तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मुझे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूंगा। मेरे भाग्य में ऐसी खुशियाँ लिखी है क्या बेटा? पता नहीं तब तक जिंदा भी रहूंगी या नहीं। पता नहीं तुम्हारे बाबा हमारी हालत को कब समझेंगे, कब समझेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। पता नहीं हमारे घर में कब खुशियाँ आएंगी। आएगी आएगी, सोचो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन में तो इतना सुख आएगा कि तुम देखते ही रह जाओगे। तुमने चोरी की है या डाका डाला है? एक दिन में ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है? लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है और पता नहीं तुम किस सुख की बात कर रहे हो। इस बार ऐसी खबर मिली है कि सुनकर तुम भी आश्चर्यचकित रह जाओगी। अब जा करके ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे दुख दूर होने को है, समझी? जरा इधर उधर की बातें ना करते हुए काम की बात बताओगे? महाराज महाराज एक राज पुरोहित की खोज कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों ने पसंद आ गया वो उन्हें सर का ताज बनाकर रखेंगे। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा, समझे? तुम क्या कर सकते हो ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो मैं पहले से जानती हूँ। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। माँ चलो ना, पिताजी के साथ चलते हैं, हम लोग भी महाराज की सेवा करके उनको खुश करेंगे। मुझे भी यही ठीक लगता है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम लोग भी मेरे साथ आना चाहते हो तो फिर शीघ्र ही चलो, हम सब साथ में ही महाराज से मिलने चलते हैं। यहाँ से वो जगह दूर भी तो बहुत है। ये रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा हूँ, पता नहीं और कितनी दूर जाना है। सुनिए, हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं ना? आपको रास्ता तो पता है ना? जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रास्ते पे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं हम भटक तो नहीं गए हैं? हाँ पिताजी, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझसे और चला नहीं जा रहा है। मुझसे भी और नहीं चला जा सकता, यहाँ थोड़ी देर बैठ कर विश्राम कर लेते हैं। तो माँ बेटे को लाकर और मुसीबत खड़ी हो गई है, एक तो साथ में लेकर आओ और फिर ताने भी सुनाओ। अभी तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई और भी आकर के मुझे हौसला दे देता तो। अरे अरे डरपोक कहीं के, थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है, इतना बड़ा होके भी डरता है और दूसरों को बुलाता रहता है। ए, तुम कौन हो? मेरे पिताजी को डरपोक क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी बिल्कुल डरपोक नहीं है। तो फिर मैं वो क्या सुन रहा था, दूसरों को बुला रहा है हिम्मत जुटाने के लिए? पर जो भी हो, अब मैं आ गया हूँ, आप लोगों को और डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन हो बेटा और इस जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम सहस्रदल है, मैं जंगल में ही रहता हूँ और जब कभी भी वक्त मिले मैं अपनी पंखीराज घोड़े पे चढ़ के इधर उधर घूमता रहता हूँ। ओहो, तुम्हारे पास घोड़ा भी है? मेरी बहुत ख्वाहिश है घोड़े पर बैठकर घूमने की। घोड़े पे चढ़ के 7 समुंदर और 13 नदी पार घुमाएंगे। बहुत बढ़िया, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाते हो तो हम दोनों दोस्त मिलके बहुत घूमेंगे घोड़े पर, ठीक है ना? मुझे मंजूर है, चलो आज से चंपक दल और सहस्र दल हम दोनों दोस्त हैं। अरे रुको रुको, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमारे नाम में भी एक समानता है। वाह 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 वाह, दोस्त को पाकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि खाना पीना भी भूल गए हो। अब और कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग भी इधर धूप में बैठे रह के तकलीफ क्यों करेंगे, पास में ही मेरा घर है, मेरे साथ आइए, मैं आपको हमारे घर ले चलता हूँ। आओ दोस्त, मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों आगे आगे चलते हैं। ये लड़का कब का घर से निकला हुआ है, अब तक घर लौट कर नहीं आया है। ओह, पता नहीं ये लड़का दिन भर कहाँ कहाँ घूमता रहता है, लेकिन वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं ऐसा लगता है। अच्छे से देखती हूँ, बहुत अच्छे से। माँ, ओ माँ, ये देखो मैं आ गया माँ, और देखो मैं किनको साथ में लाया हूँ। ये देखो, ये है चंपक मेरा नया दोस्त, और ये है चंपक के बाबा और माँ। देखो ना, ये तीनों जंगल में फालतू में कितनी तकलीफ उठा रहे थे, इसीलिए मैं इन सभी को एक साथ लेके आ गया।
ये लड़का घर में पता नहीं किसे लेकर आ गया है, लेकिन घर आए मेहमान को ठुकराना ठीक नहीं होगा। देखते हैं ये लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद फिर इन लोगों को तो हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक इन लोगों को तुम घर लेकर आ गए मुझे। उसकी कोई गलती नहीं है, हम लोग महाराज के पास जा रहे थे, रास्ते में थोड़ा सा थक गए इसीलिए थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात इससे हुई और फिर उसके साथ हम यहाँ पर आ गए। यहाँ कहीं पर अगर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हम लोग तो। सही कहा माँ, इन लोगों को यहीं रहने दो, तो फिर मैं चंपक को साथ में लेकर थोड़ा खेल लेता हूँ। चल चल चंपक, अभी के अभी थोड़ा घूम आते हैं, चल जल्दी कर चल। तो मैं कह रहा था कि अगर आपको असुविधा ना हो तो कुछ दिनों के लिए हम यहाँ आराम कर सकते हैं क्या? मतलब कुछ ही दिनों की बात है और उसके बाद फिर हम लोग महाराज के यहाँ तो चले ही जाएंगे। इन लोगों को अभी यहाँ से भगाना ठीक नहीं होगा, इनसे कुछ काम करवा लेना ही ठीक रहेगा, मतलब कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, पर यहाँ पे रहने के लिए मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी, अगर आप लोग उसमें राजी हैं तो फिर। हाँ बिल्कुल, मैं राजी हूँ। ठीक है, तो फिर सुनो। आखिर में ये दिन देखना पड़ा, ब्राह्मण होके शिकार करना पड़ रहा है। अरे ये कैसी शर्त है, क्या पता हर दिन शिकार करके लेकर जाना पड़ेगा, उनका तो इसके बिना पेट ही नहीं भरता है। और क्या ये सब करो। अरे 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 यहाँ पर तो कुछ है ऐसा लग रहा है, अभी मारता हूँ इस लाठी से। ये क्या, ये तो भाग गया। ये काम करते करते तो मैं थक गई हूँ, रसोई का काम करते करते तो मेरे पूरे बदन में दर्द होने लग गया है, और इन लोगों के पेट का तो जवाब नहीं कितना सारा खाना खाते हैं ये लोग। कब से बैठे बैठे आखिर में एक जंगली सुअर और दो साई का शिकार किया, आगे फिर अब कल देखेंगे। अरे वो क्या है, क्या है वहाँ पर? अरे ये तो इंसानों की खोपड़ी है, और ये तो कंकाल है। अरे और वहाँ पर और भी है, क्यों यहाँ पर इतने सारे कंकाल कैसे आए? कब से ये इधर उधर क्या कर रही है, रसोई सजाते सजाते ही दिन ढल जाता है, पता नहीं काम कब खत्म करेगी। एक चीज मिलती है तो दूसरी नहीं मिलती, पता नहीं बाकी का सारा सामान कहाँ रख दिया गया है। मौका अच्छा है। कहाँ रखी है सब, यहाँ कहाँ रखी है? यहीं से खाने की खुशबू आ रही है, इसी को खोल के देखती हूँ, यही है, मुझे मिल गया। ये इधर उधर का काम करते करते ही मेरी जान निकल जाएगी, खाना बनाने के बाद ही तुरंत बाकी का काम करना है, चलो जल्दी करो, पता नहीं कहाँ रख दिया है। यहाँ से भाग जाती हूँ, जो हाथ लगे वो लेके भाग जाती हूँ। ओहो तलवार टूट गई, अब मैं कैसे लड़ूंगा? नहीं, ये खेल मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है, तुमने सही कहा, मुझे तो बहुत जोरों की भूख भी लगी है, चल चल के देखते हैं घर में क्या खाना बना है। चल चल रसोई में जाके देखते हैं कि माँ ने क्या खाना बनाया है। सुनो ना, मुझे जल्द से जल्द खाना दो, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सारा खाना तो बन चुका है, लेकिन सिर्फ वो मांस बनाना बाकी रह गया है, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। खाना कहाँ गया, सब कुछ गायब हो गया, ये तो सब खाली पड़ा है।
अरे कुछ देर पहले तो सब कुछ था, मैंने अपने हाथों से यहाँ रख दिया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊंगी? नहीं नहीं, ये सब देख के तो मुझे चक्कर आने लग गए हैं। अरे ये बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं? जाकर देखूं क्या? हाँ, अरे बाप रे! ऐसी लुका छुपी रोज नहीं चलेगी, और रोज ये एक जैसा खाना अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जी जी, सब खाना एक जैसा लगता है। बहुत दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए इंसान का मांस नहीं खाया है? कितने दिन हो गए यहाँ के महाराज को और उसके परिवार को मार कर मैं यहाँ बैठी हूँ। अब स्वाद को बदलना होगा। सहस्त्रोदल महाराज का बेटा है, मगर उसकी रगों में मेरा ही खून बह रहा है। उसको मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। अब उस ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगी, खाऊंगी। इसका मतलब ये राक्षसी हम लोगों को मार कर खा जाएगी और मेरे बेटे को भी मार कर खा जाएगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को जरूर बचाऊंगी। बेटा चंपक, उठो बेटा, उठो चंपक, उठ जाओ। ये सोने का समय नहीं है, जल्दी उठ जाओ, अपने आप को संभाल लो। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। अब क्या हुआ माँ? अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ से भागना होगा बेटा, दूर भागना होगा। जानते हो बेटा, वो सहस्रदल की माँ एक राक्षसी है, वो हमारे हार्ड मांस को चीर कर हमें खा जाएगी बेटा। अरे इसका मतलब तो आप लोगों के ऊपर भी मुसीबत है। नहीं नहीं, आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हमारी चिंता तुम मत करो बेटा, हमारे और कितने दिन बचे हैं, किंतु तुम्हें और बहुत जीना है बेटा। तुम जिंदा रहोगे तो हम जिएंगे। अपने आप को बचा लो, भाग जाओ। हमारा क्या होगा और क्या नहीं होगा ये जानने के लिए इसे अपने साथ रख लो बेटा। इसे देखोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम किस हाल में हैं। इसमें क्या है और कैसे पता चलेगा मुझे? वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जरा देख लूँ इसमें क्या है। इसमें दूध है बेटा। अब मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब माँ तुम इतना बोल रही हो तो मैं चला ही जाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे सारे सपने मैं पूरा करूँगा। अभी मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा दोस्त सहस्रदल, उसको भी छोड़कर जाना होगा। किसी और का इंतजार मत करो बेटा, किसी पर विश्वास भी मत करो। पता नहीं उस राक्षसी के बेटे ने क्या सोच कर रखा होगा। बचना है तो यहाँ से अकेले भाग जाओ। चल मेरे घोड़े, आज सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। चल मेरे पंखीराज, उड़ो आसमान में, उड़ो। अरे चंपक, सुबह सुबह घोड़े पे चढ़ के कहाँ चल दिया? कहीं ये मुझे अकेला छोड़ के भाग तो नहीं रहा, या फिर वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी जाता हूँ, उसके पीछे पीछे जाता हूँ। ओ भाई चंपक, थोड़ा रुक जाओ भाई, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? अरे सहस्रदल को पता चल गया, मुझे मालूम था कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन अब मैं उसके लिए नहीं रुक सकता। माँ की वो बात तो मैं भूल ही गया। ओहो नहीं नहीं, अभी थोड़ा देखते हैं कि दूध का रंग कैसा है, कहीं बदल तो नहीं गया ना। अरे अरे ये क्या, दूध का रंग लाल कैसे लग रहा है? इसका मतलब नहीं नहीं, अरे अब मैं क्या करूं? अरे कोई तो मेरे माँ बाबा को बचाओ, मेरे ये क्या? चंपक अपने बाबा को बचाने की बात क्यों कर रहा है? उसके बाबा को क्या हुआ? अरे सारी रात शिकार करके अब ये शरीर बुरी तरह से थक गया है, अब इस तालाब में नहा कर घर जाकर आराम से सो। अब तुम तीनों को खाऊंगी। तुमसे ही शुरुआत करूंगी। ये देख कैसे तेरा पेट फाड़ती हूँ। राक्षसी ने तो मेरे बाबा को मार ही डाला,
माँ ने बोला था कि दूध का रंग हल्का लाल होने पर समझ लेना कि बाबा कोई खतरे में है। मैं ठीक समझा, बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। राक्षसी ने चंपक के बाबा को मार दिया है। किस राक्षसी के बारे में बात कर रहा है चंपक? लेकिन लेकिन वो राक्षसी आखिर चंपक के बाबा को मार क्यों डालेगी? चंपक, चंपक भाई रुक जा। मेरा मन कह रहा है कि मेरी माँ भी खतरे में है। देखो देखो दूध का रंग कैसा है, कैसा हो गया है। जो सोचा वही हुआ, दूध का रंग गाढ़ा लाल हो गया है। इसका मतलब उसने मेरी माँ को भी मार डाला। ओ माँ, माँ, उसने मेरी माँ को मार डाला। ओ माँ, मेरी माँ को क्या हुआ? भाई चंपक, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुम्हें क्या हुआ है। तुम ऐसे रो क्यों रहे हो भाई? तुम मेरे पास बिल्कुल मत आना, तुम एक राक्षस हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ एक भयानक मायावी राक्षसी है। उसने मेरे माँ बाबा को मार दिया, अब मेरी जान लेने के लिए आ रही है। मेरी माँ राक्षसी? लेकिन लेकिन ये बात मुझे कभी पता नहीं चली। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन लेकिन ये बात अगर सच हुई तो फिर चंपक भी खतरे में है। मुझसे बचकर कहाँ तक भागोगे? कहाँ भागोगे? तुम्हें भी मार डालूंगी। अगर मेरे दोस्त को मारने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो फिर पहले तुम्हें ही खाऊंगी। तो फिर ये लो। अरे तुम मेरे बेटे होकर मुझे ही मार डाला। अरे ब्राह्मण के बेटे, तूने क्या सोचा कि मेरे बेटे को कब्जे में लेकर मुझे मार देगा? ऐसा नहीं होगा। तुम जहाँ भी जाओगे वही तुम्हें मरना होगा, वो भी राक्षस के हाथों से। राक्षस कभी तुमको नहीं छोड़ेगा, मरना ही होगा। तुम्हारे नसीब में बहुत दुख है, बहुत खतरा, बहुत। अरे ये राक्षस कहाँ से आ गया और सभी लोगों को मार रहा है, और सब जगह छोड़कर मेरा ही राज्य मिला है क्या आने के लिए? अरे मंत्री, मैं कुछ नहीं सोच सकता, कुछ उपाय नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों में मेरा सारा राज्य खाली हो जाएगा, कुछ तो बताओ करना क्या है। लेकिन महाराज, आप क्या उपाय करेंगे? मेरे दिमाग में एक बात आई है। वाह महाराज, क्या बात है, आपने तो ये बहुत ही अच्छा उपाय सोचा है। हम अभी जाकर इस बात की घोषणा किए देते हैं। अरे रुको, पहले उस शैतान राक्षस को सुनाओ, उसे बता दो कि इस नियम के बंद होने पर वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। कि नए राज्य में मैं कहां पर जाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो देख सामने वो घर दिख रहा है ना, चल उधर ही चलते हैं, वहीं जाके कहते हैं। कम से कम आज रात रुकने के लिए तो कोई जगह मिल जाएगी, कल सुबह को देखेंगे कुछ और बंदोबस्त किया जा सकता है कि नहीं। ओह, चाहे जो भी कहो, खाना बहुत बढ़िया बना है, एकदम उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। अरे तुम लोगों के लिए सोने का बंदोबस्त कर दिया है, खाना खाकर तुम लोग सो जाओ, हम जाकर उधर कुछ करते हैं। लेकिन क्या करें समझ में नहीं आ रहा। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो ऐसे सर हिलाकर ऐसे चुपचाप कैसे चला गया, और जाने के समय वो किसी बात के ऊपर सोच रहा था। क्या बात हो सकती है? ए, ध्यान से सुन, वो उधर दरवाजे के पास वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। चल 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 सुनते हैं, चल चल जल्दी कर, लगता है वो लोग आपस में ही किसी बात पे झगड़ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग के लिए मैं कुछ तो कर सकता हूँ, अपने जिंदगी में मैंने कुछ नहीं। अरे अभी ये लोग झगड़ा करेंगे, हमें रुकना होगा, इतने अच्छे होने के बावजूद क्यों झगड़ रहे हैं? बूढ़ा हूँ, मुझे ही जाना चाहिए। सुनिए ना, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए, लेकिन आप लोग आपस में किस बात पे इतना झगड़ रहे हैं ये बता सकते हैं? अगर ऐसा है तो हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। एक राक्षस ने इस राज्य में आकर हम लोगों की नींद उड़ा के रख दी है। पहले तो वो जिसको भी देखता था उसको पकड़ के खा लेता था, किसी को भी वो नहीं छोड़ता था। पर महाराज ने कुछ बंदोबस्त करके वो राक्षस को शांत किया है। राजा ने अभी एक घोषणा की है कि हर दिन हर घर से एक आदमी राक्षस का खाना बनने जाएगा, और अभी ऐसा ही चल रहा है। इस गांव के उत्तर दिशा में एक शिव मंदिर है, रोज रात को वो वहाँ जाता है और एक इंसान को खा लेता है। समझ गया मैं, और आज आपकी बारी है ना? एकदम ठीक, आज हम लोगों के यहाँ से कौन जाएगा वही बातचीत चल रही है, इसी वजह से इतना शोरगुल है। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त आज ही रात को उस राक्षस के पास जाएंगे। अरे
अरे यहाँ सारे बंदोबस्त अच्छे से किए गए हैं। चलो दोस्त, हम दोनों यहाँ विश्राम कर लेते हैं। मेरी बात मान, हम दोनों को एक साथ जगे रहने की कोई जरूरत नहीं। इससे अच्छा होगा कि तू सो जा, मैं कुछ देर जगा रहता हूँ। बाद में तू जग जाना, मैं सो लूंगा। अरे ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे तो हम दोनों अच्छे से विश्राम कर सकते हैं। तो अब मैं आराम से सो जाता हूँ। समय होने पर मुझे पक्का जगा देना, ठीक है? हाँ हाँ, जगा दूंगा, लेकिन तब तक इस दरवाजे के पास मैं अपनी तलवार लेके बैठा रहता हूँ। लगता है बाहर किसी की आवाज आ रही है। चलो ध्यान से सुनता हूँ। लगता है बाहर तूफान आया है, कहीं राक्षस तो नहीं? रोज रात मैं एक इंसान मार कर खा रहा हूँ। ना 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 ना, इंतजाम तो बहुत ही अच्छा हुआ है। देखते हैं आज कौन आया है। अरे बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अंदर किसी को बंद करके रखा है। मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? महक तो अच्छी आ रही है। ठीक जगह पर आया हूँ मैं। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंसान की खुशबू आ रही है। कौन जाग रहा है अंदर? रुक जरा, जैसा तेरा सवाल है वैसा ही जवाब मेरे पास भी है। सहस्र दल जाग रहा है और चंपक दल जाग रहा है, साथ ही साथ दो पंखी राज घोड़े जग रहे हैं। ये आवाज तो कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। ये आवाज तो कुछ अलग सी है। ना 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 ना, ये किसी इंसान की आवाज नहीं है। ये आवाज सुनकर ही मैं समझ गया, इंसान के शरीर में ये तो एक राक्षस का ही खून है। अभी इनसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है। लगता है अब मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। चला जाता हूँ। लग रहा है मेरे गले की आवाज सुन के ही वो भाग गया है। चलो अच्छा हुआ मेरी बुद्धि काम आ गई। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। अरे मेरे लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, अब तुम सो जाओ, बची हुई रात में मैं पहरेदारी करता हूँ। अच्छा ध्यान से सुनो फिर, खतरा लगभग टल गया है। राक्षस आके वापस भी चला गया, वो फिर वापस भी आ सकता है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही कहना। ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी हुई तो फिर मुसीबत। आ जाओ नजदीक आ जाओ और ध्यान से सुनो। कितनी अच्छी महक आ रही है, बिल्कुल इंसान के जैसी महक। आ जाओ बाहर, कौन है उसने अंदर? क्या बोला था? सहस्र क्या चंपक रहूंगा? चंपक या सहस्र, कौन सा आगे? इसका मतलब आगे सहस्र बाद में चंपक? नहीं नहीं, लगता है उल्टा हो सारे गया। सारे के सारे बोल बच्चन तुम्हारे अब खुश हो गए। मुझे याद आ गया, चंपक दल जगे, सहस्र दल जगे और दोनों पंखीराज घोड़े भी जगे। अरे ये तो इंसान की आवाज है। अरे इसका मतलब राक्षस का बेटा तो अभी सो रहा है। दरवाजा तोड़ देता हूँ, अंदर जाकर उसको उठा लेता हूँ, देखता हूँ अब तुम्हें कौन बचाता है। ए बच्चे, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तेरी इतनी हिम्मत? तूने सोचा है कि मैं नींद में हूँ ना, और इसी बीच आके तू मेरे दोस्त को खा जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। अरे मार दिया रे, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। तुम लोगों ने इस खतरे से मुझे बचाया है, मेरा दिल छू लिया है और मुझे इतनी खुशी हुई है कि अब मैं तुम लोगों को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। अब से तुम लोग सारे यहीं पर रहोगे। तुम लोगों के लिए मैं ढेर सारे पुरस्कार लाया हूँ, और हाँ सहस्त्र दौल के लिए मैंने खास तोहफा सोच कर रखा है। देखते हैं आगे की बागडोर तुम लोग कैसे संभाल पाओगे। बस एक बार इनकी शादी पूरी हो जाए तो मेरी जिंदगी का सारा बोझ उतर जाएगा। ऐसा लड़का कोई हाथ से जाने देता है? इतना साहसी और इतना बुद्धिमान लड़का हमें दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। मेरी लड़की भी मेरे घर में रहेगी और उसके साथ हीरे जैसा जमाई। अरे लगता है कोई तो इधर से उधर गया। नहीं नहीं, चलो जाकर देखता हूँ कि वो कौन था।
वो देखो वो उधर जा रही है। अभी मैं इस घर में जाके मेरा शिकार लेकर आती हूँ, फिर खाऊंगी। अरे ये तो वो रानी की दासी है, लेकिन इतनी रात गए वो यहाँ पर अनजान घर में क्या कर रही है? मांस खाऊंगी, हड्डी खाऊंगी और इंसान को भी खाऊंगी। इसके हाथ से बचने के लिए हमें कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वो हमें भी खा जाएगी। लेकिन ये बात सुनकर कोई मुझ पर विश्वास करेगा? तभी मुझे कोशिश करना होगा। चला जाता हूँ, किसी को भी पता चलने से पहले चला जाता हूँ। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अरे बेटा, अंदर अंदर ये हो रहा है, मेरे पीछे आकर मेरा ही काम तमाम करने आया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू देख अब मैं क्या खेल खेलती हूँ। ओ रानी माँ, मुझे लगता है मैं और दिन आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना रो रही हो? अरे रानी माँ, हम गरीब हैं, इसका मतलब हमारा कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ रहूंगी तो मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसकी बातें कुछ सही नहीं लग रही। मुझे तो लगता है ये कुछ गड़बड़ करके ही मानेगी। आपकी जमाई के दोस्त रोज रोज मेरी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। गरीब हो इसलिए क्या ये अत्याचार मुझे सहना पड़ेगा? ये सब होने के बाद मैं यहाँ कैसे रहूँगी? ना ना, मैं यहाँ किसी भी हालत में रह नहीं सकूँगी। आप किसी और को ढूंढ लो। क्या? उस चंपक की इतनी बड़ी हिम्मत? चार दिन वो राजभवन में क्या रहा, तो उसे लगता है कि वो कुछ भी कर लेगा। लगता है तीर ठीक निशाने पर लगा है। चंपक के बारे में बुरा भला कह के उसे भगाने की कोशिश कर रही है। दिमाग तो इसने बहुत घुमाया है, लेकिन अभी मैं चंपक को बचाऊं कैसे? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम चली जाओगी तो मेरा सारा काम कौन करेगा? अभी मैं महाराज से बोल के उस चंपक को अच्छी खासी सजा दिलवाती हूँ, वो तो उसे बाहर निकाल देंगे। कल रात की घटना मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई, लेकिन जैसे तैसे बोलने से नहीं चलेगा, थोड़ा कायदे से बोलना होगा। जरूरत पड़ने पर उस राक्षसी को रंगे हाथ पकड़ना होगा। चलो घर जाकर इसके बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे ये क्या है? हैं? लगता है ये एक चिट्ठी है। चलो देखता हूँ। ये चिट्ठी तो सहस्र दल ने लिखी है। चंपक दल, तुम खतरे में हो, महाराज तुम्हें कठिन सजा देंगे। मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हें बचना है तो भाग जाओ, तो भाग जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता कि हम दोनों दोस्त कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। खुश रहो, तुम्हारा प्यारा दोस्त सहस्र दल। अंतिम में सहस्र दल ने भी मुझे छोड़ दिया, क्या यही मेरे नसीब में लिखा था? अरे ये सामने क्या है? क्या बात है, कितना खूबसूरत महल है ये। यहाँ पर फालतू समय बर्बाद ना करके अंदर जाके देखता हूँ कि क्या है। अरे एक लड़की और मेघ जैसे इसके लंबे बाल, कितनी गोरी और सुंदर है ये। बड़ी बड़ी आँखें, लगता है जरूर ये कोई राजकुमारी होगी। राजकुमारी, ओ राजकुमारी, उठो एक बार आँखें खोल कर तो देखो, मेरे से बात तो करो राजकुमारी। ये क्या, राजकुमारी लाश के जैसे सोई हुई है, लगता है वो कोई बड़ी मुसीबत में है। अरे वो सब क्या है? यहाँ पर तो एक सोने की छड़ी है और एक चांदी की। इस छड़ी से क्या होगा? क्या इससे राजकुमारी नींद से उठ जाएगी? अगर ये बात है तो इसमें से कौन सी छड़ी इस्तेमाल करूँ, सोने की कि चांदी की? सोने की ठीक रहेगी, देखते हैं ये काम करती है कि नहीं। क्या तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, मैं चंपक दल। नहीं नहीं, तुम जहाँ से भी आए हो अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ से जल्दी से चले जाओ। लेकिन यहाँ से जाने से पहले उस चांदी की छड़ी से हमें एक बार फिर से छू लो। तुमने सोने की छड़ी से मुझे छुआ था तब मैं जिंदा हो गई थी, लेकिन चांदी की छड़ी से छूने से मैं लाश बन जाऊंगी। जल्दी देर मत करो। बाप रे,
ये तो बहुत ही अजीब बात है। शाम होते ही सब इधर उधर से चले आते हैं और यहाँ आकर इकट्ठा हो जाते हैं। और वो बूढ़ी राक्षस क्या बात कर रही है? नहीं नहीं नहीं, वो अपने राक्षसों को कुछ समझा रही है। तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, किसी की चिंता नहीं करते हो। उस लड़की की कोई खबर नहीं लेता। इस लड़की को लेकर हम क्या करेंगे? मुझे इस बात की बहुत चिंता रहती है, क्या करेंगे? आपकी ये चिंता तो हम अभी दूर कर देते हैं। जैसे 700 राक्षस मिलकर उस राजभवन के लोगों को, वहाँ के माता पिता को और उस राज्य की सारी प्रजा को हमने खाया था, वैसे ही उस लड़की को भी हम खा लेंगे। उस लड़की की खाने की चिंता तुम लोग छोड़ दो। अभी तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। अभी मैं उसे जादू की छड़ी से जगाती हूँ। अभी मुझे उसे जादू की छड़ी से उठाना पड़ेगा। उठो मेरी केशोमती, उठो। अरे अरे, ये क्या है? आज क्यों मुझे इंसान की खुशबू आ रही है? ये क्या है? मेरा मन आज उथल पुथल कर रहा है। कहीं उस लड़की की तो बात नहीं? लगता है वो यही कहीं है। नहीं नहीं, हमें उसे बचाना होगा। अरे आप ये क्या कह रही हैं? मैं ही तो यहाँ एक इंसान हूँ और ये महक हमारी ही है। अगर आपको भूख लगी है तो आप हमें खा लो। अरे तुम तो माँ सस्ती की बेटी हो, तुमको कैसे खाऊं? तुम्हारे शत्रु को खाऊंगी। अरे लड़की, अब तुम चुपचाप खाकर थोड़ी देर सो जाओ। बहुत समय हो गया है, लगता है सभी राक्षस चले गए हैं। चलो अब जाकर मैं राजकुमारी केशोवती को जगाता हूँ। ये क्या, तुम यहाँ से चले नहीं गए? हम तुम्हें और नहीं बचा सकते, यहाँ से चले जाओ। वो तो मैं जा ही सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊँगा। जब जाऊँगा तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। मतलब? इस राक्षस महल में तुम्हें अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तुमने सही सोचा। मैंने अंदर ही अंदर एक अच्छा उपाय सोचा है, लगता है ये उपाय जरूर काम करेगा। अरे मेरी केशोमती, उठ जाओ। अरे बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? हम इतना क्यों रो रहे हैं? ये जो आप हमसे इतना प्यार कर रहे हैं, इसीलिए रो रहे हैं। आप तो अभी बूढ़ी हो रही हैं। आज या कल आप मर जाओगी। फिर ये जगने की छड़ी से हमें कौन जगाएगा और इतना प्यार कौन करेगा? इसीलिए हम रो रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो बच्चे जैसे? अरे बेटा, हम इतनी जल्दी नहीं मरते। हम अमर भी नहीं, लेकिन हम लोगों को इतना जल्दी कोई नहीं मार सकता। इसमें भी कुछ नियम है। वो नियम ये है कि कोई हमें आसानी से मार नहीं पाएगा, कितनी भी कोशिश कर ले। अब तुम सुनो, वो जो सामने तालाब है, उस तालाब के एकदम बीच में बहुत गहराई है। उसके बीच में एक स्तंभ है। उस स्तंभ के ऊपर रखे हैं दो भंवरे। जो भी कोई एक डुबकी लगाकर दोनों भंवरे को एक साथ ऊपर ले आएगा और एक ही बार में मार देता है, तो हम 700 राक्षस
एक ही बार में साथ में मर जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, दोनों में से कोई भी भंवरे का खून अगर जमीन पर गिरता है तो फिर याद रखो, हम हैं उससे बहुत सारे राक्षस पैदा हो जाएंगे। और तुम्हें पता है उससे कितने राक्षस पैदा हो जाएंगे? जानती हो कितने? 1400। हम सब समझ गए, यहाँ से हम कभी नहीं निकल सकते और इन राक्षसों को भी कोई नहीं मार सकता और यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, वो चंपक दल भी नहीं। इस चाकू से इन दोनों भंवरों का गला काट देता हूँ और राक्षस के कुल को एकदम नष्ट कर देता हूँ। अरे सावधान सावधान, थोड़ा संभल कर, इसमें खून बह रहा है, अगर एक बूंद भी मिट्टी में गिर गई तो खतरा हो सकता है। इसलिए तो मैंने तुम्हें राख लाने के लिए कहा, देखो खून की सारी बूंदे राख में गिर रही है। हाँ, क्या हुआ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? डर के मारे मेरी तो जान निकल रही है। अरे मर गया, मेरी जान निकल रही है। राजकुमारी केशवती इतनी चीजें लेकर आई कि काम की चीज लाना भूल गई। क्या हो सकता है, हम क्या लेना भूल गए हैं? अब दो माला लेकर आओ, मैं तुम्हारे गले में डाल दूंगा और शादी हो जाएगी। तुम्हारे मन में ये था, ये बात हमें कैसे पता चलेगी? इस वक्त भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुमने जिस हिसाब से शुरू किया है, लगता है पूरा दिन निकल जाएगा तुम्हारे नहाने और बाल धोने में। बाल के ऊपरी हिस्से को धोते हो तो नीचा सूख जाता है और नीचे को भिगाने जाओ तो ऊपर का हिस्सा सूख जाता है। हमारे लंबे घने बालों को नजर मत लगाओ, हमें हमारे बाल बहुत पसंद है। अरे ये कैसे हो गया? पता नहीं मेरा ये एक बाल कैसे टूट गया। लगता है तुम्हारी नजर लग गई। हम हमारे बालों को हमारे ढंग से सजाएंगे। तुम्हारी नजर लगने से ही ये टूट गया। अब तुम्हें एक प्रायश्चित करना होगा। हमारे बालों में सजाने के लिए एक गुलाब का फूल तो ले आओ। मैं उस फूल को पाकर ही तुम्हें माफ कर दूंगी। ये क्या बचपना है, वो फूल से तुम क्या करोगी? फूल मेरे इस टूटे बाल को लेकर तुम कहीं दूर चले जाओ। जाओ देश परदेश की सैर करो, खूब घूमो और मजे करो। हाँ? अरे ये क्या, ये तो बहुत अजीब सी बात है। अरे इतना बड़ा केश और इसमें इतना फूल बंधा हुआ है। मैं जरा इस फूल को हाथ में लेके देखता हूँ, इसको थोड़ा नाप लेता हूँ। ये एक दो, अरे बाप रे, ये तो पूरा 3 हाथ का है। जमाई राजा कुछ दिनों से चुप चुप से रहने लगे हैं। रात में उन्हें नींद भी नहीं आ रही। हमारे जमाई राजा को किसी भी चीज में शांति नहीं मिल रही। वो लंबा बाल किसका है ये उन्हें जानना ही है। हम पूरा साफ साफ देख सकते हैं। ये बात को घुमाने फिराने से मेरा फायदा ही होगा। रानी माँ, आपकी ये तकलीफ मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज चाहिए रानी माँ। जो मांगूंगी आप दोगे? ठीक है, तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे, लेकिन हमारे संकट को कुछ भी करके दूर कर दो। नदी में जाकर एक घाट से दूसरे घाट जाना होगा। भीजल काट की नाव के बिना बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। और नाव चलाने के लिए हमें 2 चप्पू भी चाहिए रानी माँ, और वो भी अच्छे काट वाले। वो रही वो घाट पर बैठी है केशवती। पहले मन में सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। अरे
मेरी केशो, तू कितनी बड़ी हो गई है रे। अरे ये कौन है? आहा, क्या किस्मत है मेरी, जब तुम सिर्फ 4 साल की थी तब तुमको देखा था। तू कितनी बड़ी हो गई रे, तुझे कितने सालों बाद देख रही हूँ। तुम्हें देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। अच्छा कौन हो तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी माँ की बहन मासी हूँ। तुम भी कैसे पहचान पाओगी, तब तुम छोटी सी बच्ची थी और आज इतनी बड़ी हो गई हो। इधर आओ केशवती, मेरा हाथ पकड़ो। वो तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन तुम ये नाव इतनी सजा कर क्यों लाई हो, बताओ क्या बात है? जैसा सोचा था ठीक वैसा हो रहा है, उस खिलौने की तरफ नजर गई है। अब इसको ले जाने के लिए हमें कौन रोकेगा? ये देख, बातों बातों में मैं तो ये भूल ही गई थी, तुम्हारे लिए चीनी मिट्टी का खिलौना और तुम्हारे पति के लिए सौंदेश लाए हैं। इधर आओ, चलो ये सब उतारने में मेरी मदद करो। ऐसा लगता है ये औरत उतनी भी बुरी नहीं है, चलो इसके साथ थोड़ा खूब फिर कर आते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ घाट की सैर करके आती हूँ। चलो देखते हैं केशवती तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। छोड़ो हमें। अरे ये क्या, राजकुमारी केशवती कहाँ गई? मतलब नदी के किनारे से अभी भी वापस नहीं लौटी। ये तो केशवती के पैरों के निशान हैं, और ये रही हाथों की टूटी चूड़ी, लगता है कोई उन्हें उठाकर जबरदस्ती लेकर गए हैं। इसका मतलब कहीं ये राक्षस का काम तो नहीं? हम पर दया करो, हमें छोड़ दो। जितना भी चिल्लाओ कोई फायदा नहीं, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अरे तुम यहाँ हो, उस केशवती के रूप को देख कर तुम हमें भूल गयी क्या? इस रानी को हम हमारे दिल की बात बता देते हैं, तुम लोग हमें कितना भी मारो और कितना भी पीटो, लेकिन हमने एक व्रत रखा है, जब तक कोई आकर हमें हमारे व्रत की कथा सुनाकर हमारा व्रत नहीं तोड़ देता तब तक हम किसी की भी शक्ल नहीं देखेंगे। आज 1 महीने से मैं इस शहर से उस शहर भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे केशवपति की एक खबर भी नहीं मिली, अब मैं क्या करूँ? सुनो सुनो, महाराज की एक जरूरी घोषणा, जो केश कन्या को कहानी सुनाएगा वैसा एक ब्राह्मण चाहिए। जो ब्राह्मण केश कन्या को एक कहानी सुनाएगा उसको महाराज विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। अरे ये तो मेरी केशवती के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब केशवती ने मेरे बारे में सोचकर व्रत रखा है। इस मौके का फायदा उठाना होगा, मैं आज ही महल में जाऊंगा और व्रत कथा सुनाऊंगा। अरे मंत्री जी, अरे ढेर सारे ब्राह्मण आए और चले भी गए, लेकिन कोई भी उस केश कन्या को ढंग से कहानी सुना नहीं पाया, लेकिन इसका उपाय क्या है मंत्री जी? जी हाँ, कितनों ने कहा कि शास्त्रों में कुछ व्रत कथाएं तो है, लेकिन केशवती की व्रत कथा तो कहीं नहीं, ये तो बहुत ही अजीब सी मुश्किल है। हा? महाराज की अगर अनुमति मिले तो मैं क्या एक व्रत कथा सुनाऊं? हाँ हाँ, बस तुम ही एक बचे थे। एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण था, वो अपने परिवार को लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पे एक राक्षसी ने उन्हें खा लिया, पर उस राक्षसी को भी मरना पड़ा। राक्षस का बेटा और ब्राह्मण का बेटा दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद एक राक्षस को मारकर एक दोस्त राजा बन गया। राक्षसी दासी के साजिश से एक दोस्त कहीं खो गया, उसके बाद उसका नसीब अचानक से खुल गया। राक्षस को मारकर केशवती से वो शादी कर लेता है, किंतु उसके बदनसीबी से केशवती कहीं गुम हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी केशवती कहीं गुम नहीं हुई है, केशवती तुम्हारे सामने है, कहीं नहीं गई तुम्हारी केशवती। अरे अरे मेरे दोस्त, तू इतने दिन कहाँ पे था? और मुझे तो शर्म आ रही है कि मैंने तेरी ही बीवी को कैद करके रखा था। जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो, सबसे पहले उस राक्षसी को पकड़ कर यहाँ पर लाओ। अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज, उसे जो सजा देनी है वो मैं ही दूंगा। अभी तुम लोगों को मैं एक साथ मारूंगी, सबको एक साथ।
आज से मेरे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। सही कहा चंपक, आजा आज से हम दोनों दोस्त एक साथ रहेंगे, मेरे साथ राजकुमारी और तेरे साथ केशवती।